नगर के लेमन पुल के पास एक बस और पिकअप के बीच टक्कर हो गई। बस में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लगभग 50 स्कूली बच्चे बैठे थे, जो कि सुबह स्कूल जाने के लिए अपने घरों से निकले थे। वहीं बस में अन्य लोग भी सवार थे, जिन्हें गंभीर चोट आई है और स्कूल के बच्चों को चोट लगी है। इसके साथ ही ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को लेमन हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। सर, ये अभी 15-20 मिनट पहले की घटना है। सर, मैं हेरिटेज के पास था तो ये पिकअप आया, ओवरलोड था और हाई स्पीड थी इसकी, तो ये बस इधर से आ रही थी, इसमें स्कूल के बच्चे भी थे, तो वो हाई स्पीड में आया, इसने ओवरटेक करा और बस पे एकदम भिड़न होगी, मेरे सामने की बात है। तो मैं वहाँ से जस्ट बाइक लेके इधर आया, जब तक मैं साइड में लगाया तो मैंने देखा सरस्वती स्कूल के बच्चे गिर गिर के निकल रहे थे बस में से। स्कूल के बच्चे किस में थे? इसी बस में, बस में थे। किसकी लापरवाही मानते हो आप? सर, इन पिकअप वालों की है ये। जस्सू वाले से बैठ के आए भाई साहब, और बस के फ्रंट में मैं ही बैठा था सर। क्या हुआ? ये पूरा रॉन्ग साइड आया हुआ था, ये पूरे रॉन्ग साइड आया, बस वाले को टाइम ही नहीं लगा कि वो ब्रेक मार सके। उसने पूरी गाड़ी पीछे पे, इसमें पूरी सिटिंग गाड़ी थी ये। स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के बच्चों को काफी चोट, कंडक्टर का नाक कट गया इसमें से, काफी आँख पे लगी है किसी का, किसी हमारे भी चोटें लगी हुई, कुछ चोट।